संस्कृति संचनालय द्वारा राजधानी भोपाल के दुष्यंत कुमार स्मारक पांडुलिपि संग्रहालय में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कवियों ने कविताओं के माध्यम से समाज को जागरूक करने का काम किया। अनन्या विकास और जागरूकता संस्था की अध्यक्ष अनामिका अवस्थी ने बताया कि समाज में नशा मुक्ति को लेकर लगातार मुहिम चलाई जा रही है, लोगों को नशे से दूर किया जाए, समाज को एकजुट किया जाए, इस कवि सम्मेलन के माध्यम से समाज को जागरूक करने का प्रयास किया गया। हमारी यह संस्था 2014 से स्थापित होकर आज दिनांक तक जो हमारे सामाजिक सरोकार में नेतृत्व होकर विषयों पर कार्य कर रही है, जैसे कि नशा मुक्ति, हमारा महिला उत्पीड़न, बाल उत्पीड़न आदि क्षेत्रों में, इत्यादि क्षेत्रों में कार्य करती है, कला संस्कृति में भी कार्य करती है। इसी क्रम में आज हमारा ये भोपाल शहर के नामचीन कवियों द्वारा काव्य पाठ का आयोजन किया जा रहा है। 7 कवियों से आज काव्य पाठ किया जा रहा है। उन कवियों की कला को उखाड़ना, उनकी प्रतिभा को आगे बढ़ाना ही हमारी संस्था का उद्देश्य है। अनामिका।